अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता तो ये वीडियो देखने के बाद तुम पढ़ने के लिए पागल होने वाले हो। एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड विलेज जहाँ सिर्फ 800 लोग रहते थे, बहुत कम बिजली होती थी, वहीं से एक किसान की बेटी तपस्या परिहार अपने जज्बे और जुनून के दम पर यूपीएससी को सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लेती है और उसका रैंक जानते हो क्या था? 23rd रैंक। एक किसान की बेटी उस हालात से निकलकर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट और इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करती है, वो भी 23rd रैंक से। यार गरीबों के बच्चे जिन्हें असल मायनों में पैसे की, अच्छे फैमिली सपोर्ट की, स्मार्टफोन की और शहर के चकाचौंध की अहमियत पता होती है, वो लोग दिन रात पढ़कर उन हाई क्लास और शहरी लोगों के सर बन जाते हैं, उनसे कितना आगे निकल जाते हैं। जब भी मैं ऐसी कोई हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी पढ़ता हूँ जहाँ किसी लड़की के चेहरे पर एसिड फेंक दिया गया हो मगर फिर भी उसका जज्बा नहीं टूटा, अगर पढ़ने का कुछ करने का पैशन चेहरा जलने से पहले था तो सिर्फ चेहरा बर्बाद हुआ, हौसला नहीं। वो लड़कियाँ उस हालत में भी अपनी जैसी दूसरी लड़कियों की हालत सुधारने के लिए पढ़ती हैं और एक समय बाद अपनी जैसी हजारों लड़कियों की रोल मॉडल बन जाती हैं। वो अपंग और अनाथ बच्चे जिनके पास कम से कम 100 गुना ज्यादा बहाने हैं तुम्हारे मुकाबले सिर्फ ना पढ़ने के, वो चाहे तो 100 बहाने ऐसे बना सकते हैं जिससे उन्हें कोई कोस भी नहीं सकता पढ़ने को, और जो जायज भी है, लेकिन फिर भी वो अपनी मजबूरी को अपने बहाने का कवच नहीं बनाते बल्कि उस मजबूरी से मजबूती तक का सफर तय करते हैं। कितनी रातें थककर वो लड़का सो जाता है जो कल को पूरा जिला संभालेगा। किताबें आज खिड़की के उन कोनों में पड़ी रोती रहती हैं, तुमसे बातें करना चाहती हैं, लेकिन तुम पूरा दिन उस फोन में घुसे रहते हो जिसका अंजाम आगे कितना दर्दनाक होगा इसका तुम्हें बहुत अच्छे से अंदाजा नहीं होगा। पढ़ाई को बोझ की तरह देखने वालों, असल सच्चाई ये है कि ये कोई बोझ नहीं बल्कि जिंदगी का बोझ कम करने वाली वो तोप है जिसकी कीमत तुम्हें तब पता चलेगी जब जिंदगी का बोझ लेकर मौत तक का सफर तय करोगे। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है, यहाँ कोई धोखा नहीं देता, बर्बादी नहीं होती, दिखावा नहीं होता, बदनामी नहीं होती बल्कि ज्ञान होता है, समझदारी होती है, भविष्य बदलने वाला चमत्कार होता है और अंधकार से निकलने का खूबसूरत रास्ता होता है। कई लोग ज्ञान देंगे कि हाँ ये सब बोलने में क्या है, बोलने को कोई भी बोल देगा, तो गौर से सुनो। एक बात बताना, क्या तुम्हारा वो दोस्त जिसे तुम आज अपना बहुत ही अच्छा और बहुत ही खास दोस्त मानते हो, क्या पहली बार में ही वो तुम्हारा सबसे खास यार बन गया था? क्या पहली बार में ही तुम उसे इतनी अच्छी तरह जान गए थे जितनी अच्छी तरह तुम उसे आज जानते हो? कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई इंसान शुरू में हमें अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन एक समय बाद उससे अच्छा दूसरा कोई नहीं लगता। जब एक इंसान से दोस्ती होने में, एक गहरी दोस्ती होने में समय लग जाता है, उसे समझने में एक वक्त लगता है, तो एक किताब तो फिर भी किताब है, उसे भी तो थोड़ा वक्त दो, क्या पता बस कुछ वक्त बाद ही तुम्हें उससे अच्छा कुछ और लगे ही ना। पढ़ने को पागल हो जाओ, मैं खुद एक बंदे को जानता हूँ जिसका स्ट्रगल मैंने एकदम करीब से देखा है। एक बंदा जो 21 साल का था लेकिन उसकी आंखें बहुत कम देख पाती थी, उसे बहुत धुंधला दिखाई देता था, वो जनरल कैटेगरी में नहीं था, बावजूद इसके उसने 10th और 12th में 85% निकाले और अभी वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अब क्योंकि उसे धुंधला दिखाई देता था इस वजह से उसके बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स और कॉन्सेप्चुअल पैराग्राफ्स होते थे ये सब उसकी बहन जो उससे बड़ी थी वो रिकॉर्ड करती और बाद में उस रिकॉर्डिंग को सुनकर वो बंदा याद करता था। किसी शांत जगह पर वो जाता, जैसे एक गणपति मंदिर था बगल में ही, वो बड़ी शांत जगह थी, वो लड़का वहाँ जाकर उस रिकॉर्डिंग को सुनता था और ऐसे करके उसने अपना फर्स्ट एग्जाम क्लियर किया और भगवान की दुआ से बेशक वो बहुत जल्द अपने इस मेहनत के दम पर लाखों लोगों से आगे निकल जाएगा और बन जाएगा एक IAS। बड़ी बात ये नहीं है कि इनकी अचीवमेंट्स इतनी सारी हैं, लेकिन कोई इंसान जो फिजिकली और कई बार तो मेंटली भी चैलेंज होता है मगर बावजूद इसके वो सपने कैसे देख लेता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत कैसे कर लेता है। दोस्त, इस पढ़ाई ने बहुत से बिखरे रिश्तों को बचाया है, उजड़े घरों को दोबारा सजाया है, माँ बाप के खून पसीने को बचाया है और हमेशा ही दिल लगाकर पढ़ने वालों को खूब कामयाब बनाया है, और इसे जिस जिसने ठुकराया है वो उम्र भर पछताया है। मौका है दोस्तों, अभी पढ़ लो वरना आगे इसकी कीमत समझ आएगी, मगर वो दिन नहीं लौटेंगे जब दिमाग हल्का करके पढ़ सको। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनकी जिंदगी आप बदलते हुए देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।